शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरकार ने देश के लिए राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में ऑनलाइन शराब की बिक्री अनुमति दी है, लेकिन शहर में एक ही दिन में अपराध के रूप में 2 ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले सामने आए हैं। इसी के लिए अपराध शाखा के अपर आयुक्त नीलेश भर ने इन्होंने एक परिपत्रक निकालकर ऐसे झूठे इश्तेहार पर विश्वास न करने की अपील की है। साथ ही अपने अकाउंट का ओटीपी नंबर किसी से भी शेयर न करें। पिछले 50 दिन से ज़्यादा जो है ये दारू बिक्री पर प्रतिबंध था, जो कल ही जो है ये नागपुर पुलिस आयुक्तालय में सिटी के अंदर जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप मंगाई जा सकती है और ग्रामीण एरिया में जो है काउंटर पे आप खरीद सकते हैं, ये कल आदेश आया। इसके पहले जो है लगभग 55 दिन से जो है वो दारू बिक्री पर प्रतिबंध था, तो इस दौरान कुछ साइबर हैकर साइबर क्रिमिनल्स ने जो है इस तरह से लोगों को जो है वो ये किया कि जिसमें वो साइबर क्राइम के विक्टिम्स हुए, जो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स करके उन्होंने जब भी कोई ऑनलाइन वाइन शॉपिंग डाला तो उनके वो हैकर्स की वेबसाइट खुलती है और जिसमें वो एक नंबर देते हैं, उस नंबर से ओटीपी शेयर करते ही जो है आपके लिंक पे क्लिक करने से आपके खाते से पैसे चले जाते हैं। तो मेरा सभी से आह्वान है कि जो है ऐसे जो साइट्स है, खासकर जो सैनिटाइज़र के लिए, वाइन्स के लिए और जो आज कॉमनली यूज जो चीज़ें हैं, ऐसे नाम देकर वो आपसे जो है वो विक्टिम्स कराते हैं। नागपुर पुलिस में जो है अभी ऐसे 3 मामले दर्ज हुए हैं, जो अम्बाझरी पुलिस स्टेशन, बजाज नगर और आरपी नगर पुलिस स्टेशन के हैं। तो सभी जो है इस ओर सतर्क रहें।